तो अब आपका टाइप थ्री, इसको देखते हैं कैसा है। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, शब्द आंसर में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में आप कहने का उसका ये मतलब है कि जैसे ए और एन हैं तो इन दोनों के बीच में उतने ही अक्षर होने चाहिए जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। जैसे देखिए ये ए है और ये एन है, इन दोनों के बीच में कुल कितने अक्षर हैं, 12 अक्षर हैं। तो इन दोनों की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि इन दोनों के बीच में 12 अक्षर होने चाहिए थे, कोई भी 12 अक्षर हो। उससे मतलब नहीं है कि सीरियल में हो ए बी सी डी ई हो, बीच में कोई भी अक्षर हो सकते हैं, एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी, लेकिन इन दोनों के बीच में 12 अक्षर होने चाहिए थे। तो हमको ऐसे युग्म निकालने हैं, आप यहाँ से निकालें, सीधे से चलें चाहे उल्टे से चलें, युग्म बनने चाहिए। ठीक है, ए का एन के साथ कोई नहीं बन रहा है, ए का एस के साथ भी नहीं बन रहा, बहुत ज़्यादा अंतर है, ए का डब्ल्यू के साथ भी नहीं बनेगा, ए का ई के साथ में देखते हैं जरा, ए का ई के साथ में एक दो तीन, एक दो तीन, बीच में तीन अक्षर हैं यानी एक युग्म बन गया हमारा, ए बी सी डी ई, सही बन रहा है। ठीक है, तो यानी एक आपका क्या मिल गया, ए से ई। ठीक है, अब अगला देखें जरा, ए से आर बनेगा नहीं, एन से एस नहीं बनेगा, बीच में गैप है बहुत, एन से डब्ल्यू बहुत ज़्यादा गैप है, एन से ई नहीं बनेगा, एन से आर एक दो तीन, उधर देखें एक दो तीन, एन से आर के बीच में तीन है यानी एन ओ पी क्यू आर बन गया ये भी हमारा, एन से आर दूसरा मिल गया हमको। ठीक है, अब तीसरा देखें, एस से डब्ल्यू नहीं बन सकता, एस से ई नहीं बन सकता, एस से आर नहीं बन सकता, डब्ल्यू से ई नहीं बन सकता, डब्ल्यू से आर नहीं बन सकता, ई से आर नहीं बन सकता, यानी आपके पास सिर्फ दो हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा दो, कौन कौन सा, ए और ई और एन और आर। ठीक है, समझ में आ गया होगा, इनके बीच में उतने ही अक्षर होने चाहिए, यानी किसी दो के बीच में उतने ही अक्षर होने चाहिए जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ठीक है, ए और ई के बीच में कितने अक्षर होते हैं, तीन अक्षर होते हैं, ए और एफ के बीच में चार अक्षर होते हैं, यानी ए और एफ कहीं लिखा रहता है, जैसे ए यहाँ लिखा है एक दो तीन चार, तो एफ यहाँ आना चाहिए था, अगर एफ देता तभी तो उसी के बराबर अक्षर होते जितने वर्णमाला में होते हैं, अल्फ़ाबेट्स में होते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे कहना क्या चाहता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है आपके, शब्द कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ठीक है, देखते हैं, सी का ओ से बहुत ज़्यादा डिफरेंट, एम से भी बहुत है, पी से भी बहुत है, एल से भी है, ई से बहुत अक्षर हैं, बीच में दो अक्षर होने चाहिए थे, एक अक्षर होना चाहिए था, सी डी ई होता है। ठीक है, सी से एक्स बहुत ज़्यादा गैप है, ओ एम बहुत ज़्यादा है, ओ पी बीच में कोई अक्षर नहीं होना चाहिए था। ठीक है, और आपका ओ से एल, ओ से एल आपका बन सकता है, देखें एक और दो है, और यहाँ देखें ओ से एल के बीच में एक और दो एम एन होता है। ठीक है, यानी एल के बाद एल, एल के बाद क्या आना चाहिए, एम एन ओ, आपका ये बन गया। सीरीज आपकी कहीं आगे से चल रहे हैं या पीछे से चल रहे हो, अंतर उतने का ही होना चाहिए, एक आपका मिल गया ओ और एल। और देखें, ओ का ई से नहीं बनेगा, ओ का एक्स से नहीं बनेगा, बहुत ज़्यादा अंतर है, एम का पी से नहीं बनेगा, पी का एल से नहीं बनेगा, ई का एक्स से नहीं बनेगा, एम का एल से, और कोई नहीं बन रहे, सिर्फ आपको एक मिला है ओ और एल, जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने अल्फाबेट्स में होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, अगले क्वेश्चन में स्क्रीन पे है अगला क्वेश्चन आपके, शब्द हेरिटेज,
शब्द हेरिटेज में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीज उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो देख लें, एच का ई से है क्या, बीच में के देखें कितने गैप हैं। एच का आर से नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा चाहिए। एच का आई से एक भी गैप नहीं है, इसमें दो हैं, ठीक है, ये भी नहीं बनेगा। एच का टी से बहुत ज़्यादा अंतर है। एच का ए से इसमें देख सकते हैं शायद ए बी सी डी ई, ये भी नहीं बन रहा है। एच का ए से भी नहीं बनेगा, जी का एस से नहीं बनेगा, एच का ई से नहीं बनेगा, ठीक है। अब देखते हैं ई का आर से नहीं बनेगा, ई का आई से नहीं बनेगा, ठीक है, ई का टी से नहीं बनेगा, ई का ए से, ए बी सी डी ई मिल गया हमको। अब देखें आप, आर का आई से नहीं बनेगा, आर का टी से आर एस टी बन गया, ठीक है। और देखें आगे, आर का ए से नहीं बनेगा, आर का जी से नहीं बनेगा, आर का ई से नहीं बनेगा, ठीक है। और आगे, आई का टी से नहीं बनेगा, आई का ए से नहीं बनेगा, आई का जी से देखें क्या होता है, जी एच आई, जी एच आई नहीं बन रहा है अपना। आई का ई से देखें, ई एफ जी एच आई ये बन गया, ई एफ जी एच आई मिल गया हमको, आई और ई कितने मिल गए, एक दो तीन, यानी तीन ऐसे युग्म बन रहे हैं जिनके बीच में उतने का अंतर है जितने अंग्रेजी अल्फाबेट्स में होता है, ठीक है। समझ गए होंगे ये टाइप आप, बहुत ही सिंपल टाइप था, ठीक है। अगले टाइप में चलते हैं, टाइप फोर में है आपका पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर। यदि शब्द डिफॉल्ट्स के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके अगले अक्षर से तथा प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके पहले अक्षर से बदल दिया जाता है तो नई व्यवस्था में अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर युग्म दोबारा दिखाई देंगे, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक स्वर, जो स्वर हैं उनको अगले अक्षर से और जो व्यंजन हैं उनको उसके पिछले अक्षर से, यानी जो पहले आते थे। तो स्वर आपको पता है कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो आपका स्वर कौन कौन सा है, ई है, ए है, यू है, और कोई आपके स्वर हैं नहीं है, ए ई आई ओ यू होता है, ठीक है। तो इनको इनके अगले आने वाले अक्षर से, यानी ई के बाद क्या आता है देख लो, नहीं आता तो ई के बाद एफ, ए के बाद बी, यू के बाद वी, ठीक है। और जो व्यंजन हैं बाकी बचे हुए सारे व्यंजन हैं, इनको क्या करना है, इनके पहले आने वाले से, डी के पहले क्या आता है, सी, एफ के पहले क्या आता है, ई, और एल के पहले क्या आता है आपका, के, टी के पहले क्या आता है, एस, एस के पहले क्या आता है आपका, आर, ठीक है, इनसे बदल दिया गया। तो आप कह रहा है कि इस नई व्यवस्था में कितने अक्षर ऐसे हैं जो दोबारा आए हैं, यानी जो ऊपर भी थे इसमें भी थे और इसमें भी हैं। तो देख लें आप, एक तो आपका है ई, एफ भी है, एफ है, ई है, और कौन सा है, और एस है, और तो कोई है नहीं, यानी एफ ई एस ऐसे हैं जो दोबारा आए हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तीन, तीन ऐसे अक्षर हैं जो दोबारा आए हुए हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, स्क्रीन पे है आपका। बार्क में कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी उन्हें यदि उन्हें वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए। वर्णमाला क्रम, अल्फाबेट्स क्रम में मतलब परिवर्तित करने का क्या मतलब है,
यानी सीरीज में लिख दें, जैसे ए बी सी डी होती है, पहले ए आता है, बी आता है, सी आता है, फिर डी आता है, इस तरह सीरीज में लिख दें। तो सबसे पहले क्या आएगा आपका, सबसे पहले आपका ए आएगा, फिर बी आएगा, बी के बाद क्या आएगा आपका ई आएगा, ई के बाद क्या आएगा आपका के आएगा, के बाद क्या आएगा आपका आर आएगा, आर के बाद क्या आएगा एस आएगा, ठीक है। तो अब इस व्यवस्था में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनका जिसमें जिनका उनका स्थान नहीं बदला, यानी जो इसमें आ रहे थे, जैसे ए तीसरे नंबर पे है तो ए इसमें भी तीसरे नंबर पे होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं के यहाँ से चौथे नंबर पे है, के इसमें भी यहाँ से चौथे नंबर पे है, यानी के का स्थान नहीं बदला हुआ है। और तो सब, और एस, एस आपका लास्ट में है और यहाँ भी लास्ट में है, यानी कुल ऐसे कितने हैं, दो, दो हैं ऐसे जिनका स्थान नहीं बदला है अल्फ़ाबेट्स में लगाने पर, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन करें, स्क्रीन पर है आपकी, शब्द सिक्योरिटी के अक्षरों को अल्फ़ाबेट्स में लगाने पर आरंभ से कितने अक्षर के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। यानी इनको ए बी सी डी के क्रम में, अल्फ़ाबेट्स के क्रम में लगाएं तो कितने ऐसे हैं जिनका स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो देखें, सबसे पहले क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, सी के बाद क्या आएगा, ई आएगा, ई के बाद क्या आएगा आपका आई आएगा, आई के बाद क्या आएगा आपका आर आएगा, आर के बाद एस आएगा, एस के बाद टी आएगा, टी के बाद यू आएगा, यू के बाद वाई आएगा, सीरीज में हो गए, ठीक है। अब देखें कितने के स्थान नहीं बदले हैं, एक तो आपका ई है और आपका दूसरा कौन है वाई, दो ही हैं इसमें भी जिनका स्थान नहीं बदला जाएगा, वहीं के वहीं रहेंगे, ठीक है। वर्णमाला अल्फ़ाबेट्स आप समझ गए होंगे, सबसे सिंपल है, एक नंबर में आता है, लोग इसको भी गलत कर देते हैं, ठीक है। आपको सबसे पहले ए बी सी डी लिखनी है, याद नहीं करना है, कुछ भी याद नहीं करना है। आप पेपर में जाएंगे, सबसे पहले ए बी सी डी लिखेंगे पूरी पेपर में, जो रफ सीट मिलती है, ठीक है, 5 से 10 सेकंड लगेगा, आप ए बी सी डी लिख लेंगे, और इससे आपके बहुत सारे 4-5 क्वेश्चन सॉल्व होंगे रीजनिंग में। अभी बीएड का पेपर आने वाला है, बीएड के पेपर वालों के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अल्फ़ाबेट्स, इनको सॉल्व करिए। कहीं भी कोई दिक्कत आए तो कमेंट में बताइए, हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, कहीं भी दिक्कत आ रही है इंस्टाग्राम में बताइए, ठीक है। अगले टॉपिक में मिलते हैं।